लोहड़ी पर्व पर भारत विकास परिषद शाखा जुलाना के सदस्यों ने स्वामी गोरक्षानंद गौशाला में लगाई हरे चारे की 5 स्वामणी। सदस्यों का कहना था कि समय समय पर उनके द्वारा तरह तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसके तहत यह भी एक सामाजिक कार्य उनके द्वारा आज किया गया, जिसके तहत वह आज सुबह सुबह स्वामी गोरक्षानंद गौशाला में पहुँचे और यहाँ पर 5 हरे चारे की स्वामणी उनके द्वारा लगाई गई। उन्होंने बताया कि उनके सदस्यों द्वारा यह स्वामणी गौओं के हित में लगाई गई और संस्था के सदस्य यहाँ पर आज सुबह ही पहुँच गए थे। भारत विकास परिषद के सदस्य गुरदास सिंह ने बताया कि भारत विकास परिषद शाखा समय समय पर तरह तरह के सामाजिक कार्य करती है, जैसे गरीब लोगों को वस्त्र बांटना और पेड़ पौधे लगाना, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए उनके द्वारा पौधारोपण कई जगह पर किया गया है। संस्था द्वारा वाटर कूलर भी कई स्थानों पर लगाए गए हैं और तरह तरह के सामाजिक कार्य समय समय पर संस्था द्वारा किए जाते हैं। अच्छा अच्छा कीर्तन है, अच्छा जानते हो ये ना बात थोड़ी बितरान भी गिर रही एक आधी कोई भैया दो जो है ना दो तीन कट्टे रखना है, दो मतलब वो बीमार है हमारा खाते रख देंगे बूढ़ और लेजिए थोड़ा लो जी लो जी लो अगला ना भी पिता जी तन्ने भी चाल गेट दिया था प्रधान का प्रधान कौन प्रधान को बाहर हो जी दे तो पिट्टे की ताड़ा फोन है ना शाम ने फोन नहीं करना पड़ा किसे तो रहे टाइम बता दो आज छुट्टी ले रहे हूँ कहीं भी कौन है मानना दो कट्टे और भी मारा ना क्या है यूँ कह रहे हैं सारे अरे वो बीमारा खतर आ जाओ वो वहां ले नहीं गोदाम नहीं है भैया ये गोदाम के अंदर
एक ना घड़ी ना दियो कदे तेरे लाग गया को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई जी। आज जैसा कि हम इस बड़ी गौशाला में आए हैं, तो आज हमारे संस्था की तरफ से 5 सवा मणि लगाई गई हैं और करीबन 15 किलो गुड़ इन गऊ माताओं को दिया गया है। और इसे ये हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है, हम किसी भी त्यौहार पर, विशेष जन्मदिन पर इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। और हर महीने की 11 दुआस हैं, इन पर भी हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, गौ माता को अपना आज के इस पावन दिन पर जब भी मौका मिले, एक रोटी, आटा, जो भी आप दे सकते हैं, गौ माता को जरूर दें। भारत विकास परिषद का जो स्थायी प्रकल्प प्रमुख है, ये प्रकल्प है जो ये गौ सेवा का, उसके तहत हमर एकादशी को हर महीने 2 बार स्वामणी डालते हैं, कभी छोटी गौशाला में, आज हम बड़ी गौशाला में 5 स्वामणी लेकर और कुछ गुड़ लेकर गौओं के लिए यहाँ आए हैं। आज बड़ा ही पावन पर्व लोहड़ी का त्यौहार है, कल मकर संक्रांति है। इस अवसर पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गौओं के लिए आज इस त्यौहार के रूप में मनाता है। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, हमने भी सब एक संकल्प लेना चाहिए, सब ने मिलकर गौओं की सेवा करनी चाहिए। गौ माता हम सब की माता है। धन्यवाद।